सिविल लाइन्स इलाके में आप सांसद संजय सिंह ने चांदनी चौक से अपने प्रत्याशी प्रहलाद सिंह साहनी के लिए किया रोड शो। रोड शो के साथ खास तरह की बाइक रैली भी निकाली गई, जिसमें समर्थकों ने नए डिजाइन के केजरीवाल हेलमेट का प्रयोग करते हुए रोड शो में हिस्सा लिया। तो वहीं संजय सिंह ने बीजेपी सांसदों पर हमला बोलते हुए कहा कि वे दिल्ली के जिन स्कूलों का सर्वे कर रहे हैं वो तो काफी पहले बंद हो चुका है। चांदनी चौक से आप प्रत्याशी के रोड शो के साथ बाइक रैली में ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए दिखा स्पेशल केजरीवाल हेलमेट। रोड शो में आप सांसद संजय सिंह और प्रत्याशी वैसे तो खुले जीप में थे, लेकिन बाइक सवार के लिए स्पेशल सफेद हेलमेट की व्यवस्था की गई थी, जिस पर झाड़ू और आप पार्टी के का लोगो लगाया गया था, ताकि प्रचार का और ट्रैफिक नियमों का पालन भी हो सके। लेकिन यह सब सिर्फ महज दिखावे तक रहा, ज्यादातर बाइकर्स बिना हेलमेट के दिखे। तो वहीं आप प्रत्याशी प्रहलाद सिंह साहनी का कहना है कि आज तक दिल्ली में केजरीवाल साहब ने यूनिक काम ही किया है, तो वे क्यों पीछे रहें? जैसे कि फ्री बिजली, पानी और महिलाओं के लिए फ्री सफर यूनिक ही है, जिसे दूसरी सरकारों ने कभी नहीं किया। तो कोई टक्कर मानता ही नहीं, कोई टक्कर किसी से नहीं है, अकेला ही है बस, सानी अकेला और आम पार्टी, केजरीवाल और मैं हूँ बस। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनावों में? चुनाव में हमारे जितने विकास के काम रुके थे, जो अलका जी ने सब रोके हुए थे, नहीं अलका जी की वजह से हुए, वो सारे हम पूरे करें। क्यों ऐसे चांदनी चौक का विकास भी रुका पड़ा है, काफ़ी लोगों को समस्या है व्यापारी, तो अब अगर आप विधायक बनते हैं यहाँ पर तो किस सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहले हम चांदनी चौक की समस्या को हल करेंगे, उससे वह मजनू टोला के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि किन लोगों को ना पार्किंग है, ना कोई ब्याह शादी की जगह है, ना कोई ग्राउंड है। हम लोग ये जो खाली पड़ी हुई जगह है, वाटर सप्लाई की कोशिश करेंगे इन पे इनको सारी चीज़ें सुविधा दी जाए और अंदर से भी इनका एक रास्ता बनाया जाए। दूसरी चीज़ है, मैं चाहता हूँ मजनू टोला और चंद्रावर के लोगों को यहीं का यहीं बसाने की योजना बनाई जाए। सर खुद भ्रष्टाचार करती रही, मैंने तो एक शादी की है, उसने दो शादियों के दोनों का मकान वकान खा गई, तो भ्रष्टाचार मैं कर रहा हूँ या वो कर रही है? सर सवाल एक और बड़ा निकल कर आया कि ये कहा जा रहा है कि जहाँ वो रह रही है वो भी बिल्डर माफिया का, बिल्डर माफिया का दफ्तर है, दफ्तर भी बिल्डर माफिया का है और जहाँ रह रही है वो भी बिल्डर माफिया का है, तो मैं भ्रष्टाचारी हूँ या वो भ्रष्टाचारी है? मतलब बिल्डर माफिया का संरक्षण क्या लगता है उनको साथ? उनके साथ जितने बंदे लगे हुए हैं, एक बंदा बता दो सिवाय बिल्डिंग के कोई और, बिल्डर के अलावा कोई और, चाहे देवेंद्र तोमर का ले लो और दूसरे उसके चेले चपटे ले लो, जितने साथ हैं सारे के सारे बिल्डर हैं। एक है विकास, किस तरह लोगों का विकास किया जाए, जिस तरह झुग्गी झोपड़ी हैं इनका विकास किया, जो पिछले 15 सालों में मैंने किया था, उससे अलावा किसी ने सुई भर भी काम नहीं किया। मैं ये चाहता हूँ जो मेरे अधूरे काम है, कटरों के काम है, मजनू टोला के इंटरनल काम है, ओनरशिप राइट है, ये जानी चंद्रावल की ओनरशिप राइट है, इन सब के ऊपर हम एक जोर डालेंगे ताकि ये चीज़ कंप्लीट हो। फ्री बिजली पानी को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, कितना प्रभाव डालेगा ये? सर यहाँ तो केजरीवाल साहब जो कह रहे हैं कि बिजली 200 यूनिट फ्री और पानी टोटल फ्री, डीटीसी फ्री, मगर यहाँ हमारे यहाँ तो बिजली भी टोटल फ्री है, सारा 200 यूनिट से ऊपर बिल आता ही नहीं किसी का, जिसका बिल नहीं आता वो वैसे पानी भी फ्री हो गया, उसका बिजली भी फ्री हो गई, और एक मजबूती से लोग, गरीब लोग, जनता जो है वो केजरीवाल साहब के साथ खड़ी हुई है। और जहाँ भी मैं जाता हूँ, जहाँ उसको नाम आता तो केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, मैं नीचे खड़ा होता हूँ वो तीसरी मंजिल छत से आवाज़ लगाते हैं केजरीवाल जिंदाबाद। मैं एक बात बताऊँ, हमारी जो चीज़ भी होगी फिट्टी होगी, जो चीज़ होगी रूल के मुताबिक होगी, कोई रूल को तोड़ेंगे नहीं, कोई इसी चीज़ को भी टस से मस ज़रा सा भी रूल नहीं तोड़ेंगे, पूरी चीज़ें। बाइक रैली इसीलिए निकाल रहे हैं हम और हेलमेट इसलिए डाल रहे हैं कि कल कोई हमारे पे छीटा कसी ना करे, और केजरीवाल साहब की पार्टी का सिद्धांत यही है कि पूरे असूलों पे उतरो। मतलब टोपी से अब हेलमेट पे आ गए? देखो मेरी बात सुनो, टोपी वाल जो बाइक पे आएगा वो हेलमेट पे ही आएगा, आप भी जब कभी जाते हो हेलमेट पे ही जाते हो, टोपी पहन के तो आप भी नहीं जा सकते। कहाँ लिखा हुआ है कि व्हाइट नहीं पहन सकते? कहीं लिखा हुआ कहीं रूल में? यूनिक यूनिक कॉन्सेप्ट आप लाए हैं, यूनिक कॉन्सेप्ट लाए हैं। अच्छा, देखो आज तक केजरीवाल साहब ने जो लाए हैं वो भी यूनिक है। 200 बिजली दुनिया में कहीं है? 200 बिजली फ्री दुनिया में है कहीं? ये भी यूनिक है। कहीं डीटीसी बसें फ्री कहीं दुनिया में है?
ये भी यूनिक है। कहीं आप पानी फ्री, ये भी यूनिक है। हमारी केजरीवाल साहब की पॉलिसी सारी यूनिक है, सारी जनता को राहत देने वाली है। रोड शो सिविल लाइंस से होकर मजनूरीला इलाके तक चला, जिसमें आप सांसद लोगों से अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगा। इसके साथ दिल्ली बीजेपी के सांसदों पर हमला बोलते हुए ये आरोप लगाए कि बीजेपी सांसद दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि वे उन स्कूलों पर सर्वे करके दिखा रहे हैं जो स्कूल काफी समय पहले बंद हो चुके हैं, जिसे दिखाकर झूठ फैलाया जा रहा है। उसकी वीडियो डाल दी। गौतम गंभीर को सांसद रहने का हक नहीं, उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली के बच्चों का अपमान कर रहे हैं, दिल्ली के स्कूलों का अपमान कर रहे हैं। फर्जी जो वीडियो उन्होंने डाला फर्जी है। वो अक्टूबर से स्कूल बंद है, 9 अक्टूबर 2019 से उसका वीडियो डाल रहे हैं गौतम गंभीर। एक वीडियो वायरल भी किया जा रहा है, पुलिस पुलिस चल रहा है, जो स्कूल बंद हो गया उसका वीडियो डाल रहा है वो। सर परवेज वर्मा ने डाला है, वो भी क्या पुलिस को कर लिया सर? जो परवेज वर्मा 1024 स्कूलों में, ये लोग 8 स्कूलों में जानबूझ के कमियां निकाले। पहले जवाब इनको माफी मांगना चाहिए दिल्ली वालों से कि इन्होंने जो स्कूल बंद हो गया उसका वीडियो डाल के भ्रम फैला रहे। संजय सिंह, आप सांसद बीजेपी के सांसद को इस्तीफा दे देनी चाहिए, क्योंकि वे उन स्कूलों को मुआयना करके झूठ फैला रहे हैं जो बंद हो चुका है। दिल्ली के सभी विधानसभा में प्रचार के साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर जमकर चल रहा है, उसके साथ साथ अलग अलग मुद्दे भी आम जनता को दिखाया जा रहा है, लेकिन फैसला आम जनता को करना है, जो आने वाले 8 फरवरी को अपने मतों से जनता करेगी। दिल्ली में कौन कितने पानी में है। खबर जगत दिल्ली से पंकज कुमार की रिपोर्ट।